गाइस कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है हमारे YouTube व्लॉग चैनल में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मसालेदार फूलगोभी और बैंगन की सब्जी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए फूलगोभी, बैंगन और टमाटर, प्याज। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छी तरह से काट लेती हूँ, छोटे छोटे बारीक में इसको काट लूँगी। सबको मैं काट लूँगी, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। और भी बचा हुआ है इसको भी मैं काट लेती हूँ। इसके बाद मैं बैंगन को काट लूंगी, बैंगन को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। इसके बाद मैं प्याज को काट दूंगी, इसको छील देती हूँ सबसे पहले। और इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। ये रहा, मैंने प्याज को भी काट लिया और इसको मैं सबको धो दूंगी अच्छी तरह से। अब मैं कढ़ाई को चढ़ा देती हूँ चूल्हे पे। हमारा चूल्हा फूट गया है इसलिए हम लोग ईटा का चूल्हा बनाए हुए हैं। और ये देखिए हमारा आग भी जल रहा है और इसमें मैं तेल डाल दूंगी। इसमें मैं 2 चम्मच तेल डाल देती हूँ, तेल को थोड़ा गर्म होने देती हूँ। हमारा तेल गर्म हो रहा है और सब्जी को मैं धोकर निकाल देती हूँ एक प्लेट में। अच्छी तरह से मैंने इसको धो दिया है और प्लेट में निकाल रही हूँ। इसका पानी को थोड़ा निकाल देती हूँ और इसके बाद मैं प्याज को भी धो लूँगी। मैंने प्याज को भी धो दिया है और मैं कढ़ाई, हमारा तेल गरम हो गया और मैं इसमें सरसों डाल रही हूँ। और हमारा सरसों भी फूट चुका है और मैं इसमें डालूंगी प्याज। मैंने इसमें डाल दिया है प्याज और प्याज को थोड़ा भून लेती हूँ। मैंने प्याज को थोड़ा सा हल्का लाल होने तक इसको भून लिया है। ये देखिए, और इसके बाद मैं सब्जी को डाल देती हूँ इसमें और इसको ढक देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से हो जाए। और इसके बाद मैं मिर्च मसाला को थोड़ा सा पीस लूँगी। लहसुन, मिर्च और मसाला है ये, तो इसको मैं थोड़ा सा पीस लेती हूँ। इसमें मैं पानी डाल कर पीसूंगी। हो गया है, ये है हमारा मिर्च मसाला तैयार। इसको मैंने पीस लिया है, अब मैं इसको उठाऊंगी। इसको मैं पीस चुकी हूँ, इसको मैं कटोरा में उठा लूंगी। इसमें पानी थोड़ा डाल के इसको उठा लेती हूँ। ये देखिए साक्षी हमारी चाय पी रही है, बड़ा सा गिलास में चाय पीती है। हमारा आग नहीं जल रहा है तो मैं आग को थोड़ा जला लेती हूँ और निकाल के देखती हूँ कि सब्जी भुजा है या नहीं। हल्दी थोड़ा डाल देती हूँ इसमें। टमाटर को भी धो लेती हूँ अच्छी तरह से और इसको काट दूंगी बारीक बारीक, छोटे छोटे टुकड़ों में मैं टमाटर को काटूंगी। ये मैंने टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है, सब टमाटर को काट लूंगी। और मैं इसमें मिर्च मसाला को डाल दूंगी, इसको थोड़ा सा, इसमें मैं मिर्च मसाला को डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें टमाटर को डालूंगी और नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार।
इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। इसको मैं अच्छी तरह से भून लूंगी। ये देखिए हमारा सब्जी, इसको मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ। और इसको मैं ढक देती हूँ। फिर से मैं इसको भूंज लेती हूँ। हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और ये देखिए हमारा सब्जी अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि अच्छी तरह से वो पक जाए। देखिए अब इसको मैं उतार दूंगी और हमारा सब्जी बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इसको उतार दिया है। ये देखिए हमारा फूलगोभी की सब्जी बनकर तैयार हो चुका है। इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसको मैंने प्लेट में निकाली है और इसका टेस्ट मैं कर रही हूँ। इसका टेस्ट अभी बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।